हाउ टू अवॉइड फेक ब्रेकआउट्स और फेक ब्रेकडाउन्स। देखिए, कहीं ना कहीं हर एक ट्रेडर अपने इनिशियल डेज में ब्रेकआउट ट्रेडिंग प्रेफर करता है, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद का मोमेंटम काफी फास्ट होता है एंड हमें प्रॉफिट जल्दी मिलते हैं। बट द फैक्ट इज मोर देन 50% ब्रेकआउट गेट फेल्ड। सो इन दिस वीडियो वी गोना लर्न 5 मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट्स दैट विल डेफिनेटली गिव यू एन एज टू अवॉइड दोज फेक ब्रेकआउट्स। एंड फेक ब्रेकआउट्स के रिगार्डिंग आपको इस वीडियो के अलावा और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 1, डोंट चेज पैराबोलिक मूव्स और पावर मूव्स। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय पैराबोलिक मूव? सिंपल, कोई भी प्राइस अगर रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है विदाउट एनी रिट्रेसमेंट तो दिस इज कॉल्ड पैराबोलिक मूव्स। करेक्ट, चार्ट्स पे देखते हैं आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी। नाउ दिस इज 5 मिनट चार्ट ऑफ निफ्टी। दिस मूव यू कैन सी, दिस इज कॉल्ड पैराबोलिक मूव। इसमें कोई भी रिट्रेसमेंट आपको नहीं दिखेगी, डायरेक्टली इसने सपोर्ट से जाके रेजिस्टेंस हिट करा है। तो ये अगर सपोर्ट से डायरेक्टली आके रेजिस्टेंस हिट करता है एंड इसको क्रॉस करता है तो इट विल नॉट सस्टेन इन 90% केसेस। करेक्ट, तो हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। नाउ व्हाई इट डोंट सस्टेन? सिंपल, बायर्स को अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करना है तो वो प्राइस को इतने नीचे से ला के इसको डायरेक्टली ब्रेक नहीं कर सकते। कुछ नए बायर्स अगर यहाँ पे ऐड होंगे, एक्यूमुलेट होंगे, उसके बाद अगर ब्रेक होगा ये, then it will sustain. Now this is another example of parabolic move. तो प्राइस अगर इतने नीचे से आ रहा है ना तो it can't break resistance directly. Always buy breakout after a consolidation. Now this is an example of breakout after consolidation. तो अगर breakout consolidation के बाद होता है तो usually it sustains. तो आपको ऐसे breakouts को trade करना है। इसके पीछे का लॉजिक चार्ट का खुद का नेचर होता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी प्राइस में सिर्फ दो ही चीज होती है, नंबर 1 ट्रेंड एंड नंबर 2 कंसोलिडेशन और करेक्शन। किसी भी ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन आता है एंड किसी भी कंसोलिडेशन के बाद वापस से ट्रेंड आता है। तो अगर हम कंसोलिडेशन के बाद के ब्रेकआउट में बाई करते हैं तो ये सस्टेन कर जाता है। तो एग्जांपल्स पे समझते हैं, वहां पे ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। दिस इज ग्रेफाइट इंडिया वीकली चार्ट। आप यहां पे देखोगे तो इसने पूरा कंसोलिडेट करा हुआ है एंड कंसोलिडेट करने के बाद जब ये ब्रेकआउट दिया है तो कितना बड़ा टारगेट मिला आप देख सकते हो। पॉइंट नंबर 3, ट्रेड विथ वॉल्यूम कंफर्मेशन। सर, मार्केट के हर एक मूवमेंट के पीछे पैसा लगता है एंड किस ब्रेकआउट के पीछे कितना बड़ा पैसा है वो हमें वॉल्यूम से पता चलता है। टेकिंग कंफर्मेशन विद वॉल्यूम ऑलवेज गिव्स एन एज। लेट्स सी एन एग्जांपल। नाउ दिस इज चार्ट ऑफ डिक्सन। दिस इज रेजिस्टेंस लाइन। यहाँ पे ये प्राइस हमेशा रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। इसने 3 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, जरा सा इसने रिट्रेस किया एंड इट गेव ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के टाइम का जो वॉल्यूम है वो पिछले कम से कम 50 कैंडल से भी ज्यादा है। करेक्ट, इट्स मोर देन 50 कैंडल्स। तो आपको बेसिकली वॉल्यूम कंफर्मेशन में देखना क्या है? सिंपल, ब्रेकआउट का जो कैंडल है उसका जो वॉल्यूम आया हुआ है वो एटलीस्ट लास्ट के 10 कैंडल से ज्यादा होना चाहिए। एंड यहां पे हम देख सकते हैं प्राइस ने जब यहाँ पे माइनर सा रिट्रेस किया है तो इसके वॉल्यूम ये हैं, इसके 1/3। एंड जब यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया तो दिस इज द वॉल्यूम। सो दिस इज हाउ वी गेट कंफर्मेशन विद वॉल्यूम। पॉइंट नंबर 4, ऑलवेज वेट फॉर कैंडल क्लोजिंग कंफर्मेशन। हमेशा आपको कैंडल क्लोज होने तक का वेट करना है। डू नॉट जंप इनटू ट्रेड। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है इमीडिएटली वी टेक द ट्रेड। एंड होता क्या है कि 3 बजे तक प्राइस नीचे वापस आ जाता है एंड वी गेट ट्रैप्ड। सो वी शुड ऑलवेज वेट फॉर कैंडल क्लोजिंग। करेक्ट, लेट्स सी एन एग्जांपल। Now in this chart you can clearly see this is the resistance line and यहाँ पे price already 2 बार reject हो चुका है, ठीक है। And third time जब ये आता है तो proper retracement के बाद आया था but still इसने candle close नहीं करी। Trading time में तो हमें ये candle कुछ ऐसी दिखेगी ना complete, तो फिर उस time हमें लगता है कि ये resistance cross हो चुका है and we take the trade, but as soon as we take the trade the price reverses and we get trapped. So we have to avoid these spikes. Always wait for candle closing confirmation. Now the last point, buy retest
टू इंक्रीज योर ऑड्स ऑफ विनिंग. सो इन केस ऑफ पैराबोलिक मूव्स यू शुड नॉट चेज द प्राइस, यू कांट बाय हियर. आपको रिटेस्ट का वेट करना है, ठीक है. अगर यहाँ पे रिटेस्ट होता है उसके बाद ये लास्ट हाई जो है इसको क्रॉस करता है, देन यू विल इनिशिएट योर बाय ट्रेड, ठीक है. बट अगर प्राइस ने सपोर्ट या रेजिस्टेंस को डायरेक्टली ब्रेक नहीं किया हुआ है, यहाँ पे इसने टाइम स्पेंड करके एंड कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेक किया हुआ है, तो यू कैन टेक द ट्रेड डायरेक्टली. लेट्स सी एन एग्जांपल. नाउ इस चार्ट में आप क्लियरली देख सकते हो, दिस इज रेजिस्टेंस लाइन विच इज गेटिंग रिजेक्टेड ट्वाइस, एंड यहाँ पे इसने प्रॉपरली कंसोलिडेट किया हुआ है, उसके बाद ब्रेकआउट दिया हुआ, ठीक है. सो इन दिस केस यू कैन टेक द ट्रेड डायरेक्टली. बट अगर प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को डायरेक्टली पैराबोलिक मूव के साथ क्रॉस किया होता, तो आप यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते. यू हैव टू वेट फॉर रिटेस्ट. एंड ये रिटेस्ट क्यों करता है एंड कहाँ पे करता है, इसके बारे में सब कुछ डिटेल में देखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली वीडियो में. तो जब रिटेस्ट करने के बाद वापस से लास्ट हाई को क्रॉस करता है, देन यू विल टेक द ट्रेड विद SL बिलो दिस. तो ये 5 पॉइंट्स अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली यू कैन अवॉइड दोज फेक ब्रेकआउट्स. That's it for the video. I hope video पसंद आई हो. अगर video अच्छी लगी